अभी यहाँ पे ट्रिप को किस तरीके से सेट कर, टाइमिंग चेंज करने के लिए आपको। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोमिनार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, इसमें ट्रिप मीटर कैसे रीसेट किया जाता है, टाइम का तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक ये है और एक ये है। तो वैसे डोमिनार में दो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें से एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बाइक स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, तो ये हो गया आपका प्राइमरी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। और ये हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी का भी यूज़ है, प्राइमरी का भी यूज़ है। अब यहाँ पे मैं पहले इंजन किल स्विच ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सब चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे आपको दिख रहा है नॉर्मली, ऑफकोर्स इसको आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। ये है स्पीड, तो आपका बाइक कितना स्पीड पे चल रहा है वो यहाँ पे बताएगा किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। यहाँ पे आपका पेट्रोल बताएगा कि आपके बाइक में पेट्रोल कितना है। तो अभी मेरी बाइक में हाफ पेट्रोल है, अगर इससे कम होगा तो फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन चालू हो जाएगा लाइक रिफ्यूलिंग का। और इसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ एक एक करके। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है मेरा बाइक है न्यूट्रल गियर पे और सुबह के 9:07 हो रहे हैं। ये आपका टैकोमीटर है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका इंजन कितने आरपीएम पे घूम रहा है। तो 1000 मल्टीप्लाई होता है तो राउंड्स पर मिनट आप ऐसा बोल सकते हो। तो जैसे यहाँ से लेके अगर मेरा यहाँ पर जाएगा तो मेरा इंजन 10000 आरपीएम पे घूम रहा है। फिर यहाँ पर नीचे आपको और भी एडिशनल चीज़ें देखने मिलेगी, और वो है एबीएस। एबीएस का लाइट ऑन है, तो जब भी आपका बाइक ऐसे ही खड़ा रहेगा जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एबीएस का लाइट ऑन देखने मिलेगा। एबीएस का लाइट बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी आपका बाइक का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और उससे ज़्यादा रहेगा। अगर ये लाइट चालू रहता है जब भी आपका अच्छा खासा स्पीड है, इसका मतलब ये है कि आपका एबीएस यूनिट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पर है न्यूट्रल, न्यूट्रल के बीच में यहाँ पर ये हेडलाइट का आइकन है, तो हेडलाइट अपर लोअर इसके लिए है। तो अगर अपर ऑन होगा तो पास लाइट ऑन नहीं होता है। तो सेम चीज़ अगर आपको मैं यहाँ पे करके बताऊँ, तो ये हेडलाइट का आइकन था, तो अगर आपका हेडलाइट यहाँ पे अपर ऑन होगा या फिर आप जब पास लाइट दोगे तो ये लाइट ऑन होगा, दिख रहा है। तो ये हो गया आपका हेडलाइट का इंडिकेशन। फिर ये न्यूट्रल पे है अगेन, जैसे आपने देखा कि मेरा बाइक न्यूट्रल पे है और यहाँ पे आपको ज़ीरो दिखेगा, सेम वही चीज़ में। ज़ीरो मतलब ऑफ कोर्स हम लोग ज़ीरो गियर पे है, न्यूट्रल मतलब भी ज़ीरो ही होता है। और फिर इसके बाद ये आपको इंजन जैसा कोई चीज़ दिख रहा है, ये आपके बाइक में एक तरीके से बोलो कि FI वाला बाइक है, तो FI का नोटिफिकेशन होता है। अगर FI सही तरीके से काम नहीं करेगा तो वो लाइट चालू रहेगा। फ़िलहाल के लिए मेरा बाइक अभी बंद है, तो ऑफकोर्स FI भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे मैं बाइक चालू करूंगा वैसे बंद हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ बाइक चालू होने के बाद कौन सी चीज़ें बंद होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें चालू होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आई थिंक सो सिग्नल इंडिकेटर है यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है वैसे। तो अगर आपका सिग्नल लाइट ऑन रहेगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सिग्नल लाइट है, तो ये ऑन रहेगा तो आपको वो बताते रहेगा, जैसे आपने उसको बंद कर दिया तो नहीं बताएगा। फिर इसके बाद RPM है, तो ये बेसिकली RPM लिमिट है। जैसे आप अगर जब नया बाइक लेते हो तो आपका RPM 6700 टू 7000 के आसपास में लिमिटेड रहता है, तो अगर आप उससे ज़्यादा पुश करना चाहोगे तो ये लाइट कंटिन्यू ऑन रहेगा। 6700 पे रीच होने के बाद ना ये चीज़ चालू होकर बंद होते रहेगा ऐसा, और 7000 के अप जाओगे तो ये कंटिन्यूसली चालू रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको इससे ज़्यादा स्पीड नहीं भगाना है और आपको गियर शिफ्ट कर लेने हैं, ये चीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट चीज़ अभी आते हैं ये वाला पैनल। तो ये वाला पैनल यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, नया न्यूट्रल गियर लिखा है, सुबह का टाइम बता है, तो एक एडिशनल चीज़ है यहाँ पे। जब भी आपने अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे मोड बटन यानी M पे प्रेस करोगे तो ये ऑडो पे है, ऑडो से अगर ट्रिप पे जाएगा तो यहाँ पे कुछ और बताएगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो कुछ और बताएगा, फिर अगर आपने नॉर्मल इस पे गए तो यहाँ पे कुछ और बताएगा, नहीं कुछ रहेगा तो यहाँ पे बजाज का लोगो आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये बेसिक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, मैं आता हूँ उसके ऊपर भी। तो ये हो गया प्राइमरी, और प्राइमरी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें।
अभी बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है ज़ीरो, मतलब ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया गियर है, यहाँ पे टाइम दिया गया है सेम टाइम जब आप यहाँ से चेंज करोगे, यानी कि अभी यहाँ पे डायनेमिक फ्यूल कंजप्शन आ रहा है। डायनेमिक फ्यूल कंजप्शन आपका बाइक किस तरीके से रन कर रहा है उसके ऊपर है। तो लाइक अगर आपने एक्सेलरेशन नहीं दिया है और आपका बाइक लाइक स्लोप में ऐसे इसमें चले जा रहा है तो आपका फ्यूल लाइक इकोनॉमी बताएगा 60 KMPL के आसपास का। और वही सेम अगर आप इसको बाइक को पुश करोगे लाइक 100 100+ तो ये आपको कम बताने लगेगा। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जब आपका बाइक जिस तरीके से रन हो रहा है उस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे आपने एस प्रेस किया, एस यानी कि सेट मोड, एम एम मतलब मोड, तो यहाँ पे सेट है या सिलेक्ट बोल सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे ये दो बटन है, एम है ये एस है बराबर, तो एम मतलब मोड और एस मतलब सिलेक्ट। तो जैसे आपने एस पे प्रेस किया तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, समझ में आया, मतलब आपने ऑडो पे जाना चाहिए और फिर उसके बाद एस एक और बार दबाओगे तो यहाँ पे आपको जैसे न्यूट्रल और ये सब चीज़ें पता चल जाएगी और फिर वो सेट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आप एक और बार एक्सप्रेस करोगे तो आपको बताएगा कि आपका नेक्स्ट सर्विस कितने किलोमीटर्स के बाद है। ये मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सर्विस का जो ये लाइट है, ये वार्निंग है, ये किस तरीके से चेंज करना है। फिर नेक्स्ट एक और बार अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो वापस वही चीज़ आ जाएगा। तो इसमें तीन चीज़ आता है जब आपका ओडो मोड पे होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है ट्रिप वन। तो ट्रिप वन जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हम लोग ऑलवेज़ ट्रिप सेट करके रखते हैं कि मेरा बाइक कितना किलोमीटर्स तक चला है और आगे कितना किलोमीटर्स तक चलेगा और फिर उसके अलावा उसमें कितना पेट्रोल यूज़ किया है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जैसे मेरा ट्रिप वन सेट हुआ है 200 किलोमीटर्स, मतलब ऑफ कोर्स ये 200 किलोमीटर्स में मुझे 27 KMPL का माइलेज दे चुका है बराबर, ये ट्रिप वन के हिसाब से। अभी यहाँ पर मैं एक और बार एक्सप्रेस करता हूँ तो दूसरा डिटेल आएगा, यानी कि मेरा एवरेज स्पीड कितना था जब मैं वो 200 किलोमीटर चला रहा था। तो मेरा एवरेज स्पीड यहाँ पे बता रहा है 24 किलोमीटर पर आवर। एक और बार मैंने एक्सप्रेस किया तो कितना टाइम पहले मैंने ये सेट किया था, तो 482 मिनट्स पहले मैंने ये चीज़ सेट किया था। फिर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मैं करता हूँ तो मेरे करंट फ्यूल के हिसाब से, करंट मेरा फुल टैंक जितना पेट्रोल है अभी मतलब हाफ है, तो हाफ पेट्रोल में कितना मेरा बाइक चल सकता है, तो 178 किलोमीटर और जा सकता है जैसे मेरा राइडिंग स्पीड है उसके हिसाब से। फिर एक और बार मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये नॉर्मल आ जाएगा। वही सेम ट्रिप वन और ट्रिप टू में भी सेम ही होता है। तो ट्रिप टू यहाँ पे आप देख रहे हो 9.5 किलोमीटर्स, यानी कि मेरा सर्विस थर्ड सर्विस हुआ उसके बाद ही जस्ट मैंने ये चीज़ सेट किया था, तो थर्ड सर्विस के बाद मुझे माइलेज मिला है यहाँ पे 23 KMPL का। ऑफकोर्स लॉकडाउन था उसकी वजह से मैंने बाइक चलाया नहीं और ऑफकोर्स आप इतना स्पीड में बाइक अभी नहीं चला सकते, तो ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है तो मेरा एवरेज स्पीड डायरेक्टली डिक्रीज़ हो गया 24 KMPL का। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एक और बार एक्सप्रेस करोगे तो कितना टाइम पहले, तो 27 मिनट पहले ये चेंज हुआ था, समझ में आया। फिर नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे वापस 147 किलोमीटर्स तक मेरा बाइक चलेगा और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो अगेन वापस एवरेज फ्यूल कंजप्शन 2 आ गया। अब नेक्स्ट एक और बार आप एक्सप्रेस करोगे तो यहाँ पे ओडो मोड आ जाएगा, समझ में आया, तो वापस यही चीज़ हो गया। अभी यहाँ पे ट्रिप को किस तरीके से सेट करते हैं, तो ट्रिप को रिसेट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा एम, यानी कि ट्रिप वन पर जाना पड़ेगा। और ट्रिप वन पे जाने के बाद आपको करीब करीब 7-8 सेकेंड तक ये एस बटन दबा के रखना है। तो मैंने बटन दबा के रखा है, ये हो गया ज़ीरो। तो अभी मेरा ट्रिप वन हो गया है ज़ीरो और उसमें कोई भी डेटा नहीं है। अगर आप सब देखोगे तो ज़ीरो ज़ीरो आएगा, एवरेज स्पीड सब चीज़ ज़ीरो है बराबर। तो ये कुछ भी नहीं सेट हुआ है क्योंकि अभी तक मैंने बाइक चलाया नहीं है, जस्ट रीसेट किया। बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है जब आप कहीं पे जाते हो तो। और ट्रिप का एक और चीज़ मैं आपको बदल देता हूँ कि ट्रिप ऑटोमेटिकली 999.9 किलोमीटर्स के बाद, मतलब कम से कम 1000 किलोमीटर के बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है टू द ज़ीरो बराबर। तो अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना आपका बाइक चला है। तो अगर आप लंबे टूर पे जा रहे हो तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली रीसेट करना पड़ेगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे कुछ 500 600 हुआ उसके बाद उसको नोट डाउन कर लो। बहुत सारे लोग ये चीज़ों का कैलकुलेशन रखते हैं और बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, जिनको नहीं रखना है उनके लिए टेंशन नहीं है, जिनको रखना है उनके लिए वही सेम चीज़ है। तो इतना चीज़ हो गया और
ट्रिप टू अगेन ओडो। तो ओडो पे यहाँ पे दिख रहा है टोटल मेरा बाइक कितना किलोमीटर्स रन हुआ है। तो मेरा बाइक अभी टोटल ऑलमोस्ट 8,800 और पकड़ लो 8,900 किलोमीटर्स अभी कंप्लीट करने वाला है। तो इतने में मेरा थर्ड सर्विस भी हो गया है और मेरा बाइक अभी इतना चला है। टाइमिंग यहाँ पे है, तो टाइमिंग को जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइमिंग चेंज करने के लिए आपको ट्रिप वन पे जाने के बाद ये एम और एस दोनों बटन प्रेस करके रखने पड़ेंगे थोड़ा टाइम तक। जब आप ये दोनों बटन प्रेस करके रखोगे तो ये ब्लिंक होने लगेगा। एम आवर सेट करने के लिए होता है, एस मिनट सेट करने के लिए होता है। ए एम पी एम के हिसाब से चलता है। अगर आपने थोड़ा टाइम करने के बाद वो छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली घड़ी वही जगह पर जाएगा। सेट करने के लिए आपको फिर से ये दोनों बटन प्रेस करके रखने पड़ेंगे तो आपका घड़ी सेट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब आप जाओगे ओडो में, और जैसे यहाँ पे डायनेमिक दिख रहा है, आपको जो न्यूट्रल और गियर पोजीशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम और ये सब चीज़ें आ गई। तो एक और बार मैं आपको यहाँ पे बंद करता हूँ और चालू करके बताता हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आते हैं। एक लास्ट वाला चीज़ यहाँ पे छूट गया था जो कि था वार्निंग सिग्नल्स के रिगार्डिंग। तो वार्निंग सिग्नल्स बेसिकली तब होता है जब जैसे यहाँ पे मैं अगर बाइक का इंजन किल स्विच ऑन करूँ तो ये चालू रहेगा। मतलब अभी फिलहाल कोई तो एक वार्निंग है जो यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे हमेशा लिख के आएगा इंजन वार्निंग ऑन बराबर। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ से अपना स्टैंड नीचे रख दूँ बराबर, और इसको मैं फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर लेता हूँ बराबर, दिखा। तो जब मैं चालू करने जाऊंगा या ऐसा कुछ करने जाऊंगा तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक होने लगेगा। बेसिकली ये चालू नहीं होगा जब तक मेरा गियर ये क्या बोलते हैं इसको स्टैंड नीचे रहेगा तब तक के लिए। और इसका रीज़न भी ये है, देखो यहाँ पे ब्लिंक होना चालू हो गया क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो ये ब्लिंक होते रहेगा। वैसे ही सेम कभी कभी लाइक आपने एक ऊपर रखा है और आपका पेट्रोल कम है तभी भी ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि दो नोटिफिकेशन या उससे ज़्यादा आ रहा है तो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा ये कौन से दो नोटिफिकेशन हैं जिनके वजह से ये चीज़ हो रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाइक चालू करूँगा तो बाइक चालू होने के बाद ये नोटिफिकेशन है जो इंजन है एफआई का है वो बंद हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे मेरे बाइक को कर देता हूँ न्यूट्रल पे और बाइक स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के लिए मैंने प्रेस किया सेल्फ स्टार्ट, बाइक स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे अभी वो नहीं दिख रहा है, दिखा। जैसे मैं बंद करूँगा उसके बाद वो चीज़ वापस आ जाएगा, समझ में आया। तो इतना ही चीज़ है डोमिनार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ा है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड बी सेफ। बाय बाय।